अलका जी, शुरुआत हम आपसे करेंगे क्योंकि मणिपुर को लेकर हमने आपने सबने एक साथ बुलंद होकर आवाज उठाई, चाहे वो टीवी का माध्यम था या सोशल मीडिया का माध्यम था। हम सब ने तीखे कड़े सवाल पूछे ये सोचकर कि बेटियों के साथ हैवानियत हुई है। लेकिन अगर आपके राज्य में एक व्यक्ति जो कि मंत्री रहा वो सरकार को आईना दिखाता है तो क्या उसे बर्खास्त कर देना एक अच्छा मैसेज है बेटियों में, वो भी तब जब आपको लेकर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि रेप के मामलों में राजस्थान नंबर वन रहा है। शुभंकर जी, मैं अपनी बात का आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ राजस्थान बहाना है, मणिपुर से ध्यान भटकाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संसद में जवाबदेही से बचाना। शुभंकर जी, आपका मैं खुद व्यक्तिगत फेसबुक पे देखा, आपने मणिपुर पर बहुत भावुक कर देने वाली सच्चाई मणिपुर की बताई और 4 मिलियन लोगों ने आपके उस प्रसारण को देखा, सच्चाई जो आपने बताई। मैं पूछना चाहती हूँ आपने राजस्थान पर क्यों नहीं वीडियो बनाया, बनाइए ना, क्यों? क्योंकि आपको भी नहीं लगा होगा कि राजस्थान में जो दलित बेटी के बलात्कार किया जिन्होंने, 24 घंटे में FIR ही नहीं हुई, अरेस्ट हुए, और वो कौन थे? भाजपा के प्रवक्ता से पूछे सच है या नहीं कि वो धर्मपाल सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद BJP का लड़का जिसने नाबालिग बेटी का बलात्कार किया, पूछना चाहती हूँ हाँ या ना। क्या मणिपुर की तरह राजस्थान जल रहा है बताइए? क्या राजस्थान के 25 सांसद संसद में खड़े होकर राजस्थान पे चर्चा मांग रहे हैं? हम मणिपुर पे चर्चा मांग रहे हैं, वो नहीं मांग रहे। यूरोपियन यूनियन से लेकर UK की पार्लियामेंट पर मणिपुर पे चर्चा हो रही है, राजस्थान पे चर्चा नहीं हो रही। राजस्थान में बता दीजिएगा 12 लोगों को अशोक गहलोत सरकार के 4 साल में फांसी की सजा दी है, हमने फांसी चढ़ा दिया, ये तो खोखले बयानबाजियां कर रहे हैं, अपराधियों के साथ खड़े। आसाराम के साथ गलबैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, नाबालिग बेटी का बलात्कार होता है, सजा किसके दौरान मिलती है? गहलोत सरकार के अंदर। राम रहीम को यही हरियाणा सरकार 7 बार पैरोल दे चुकी है, 20 साल की सजा है राम रहीम को, बलात्कार और हत्या के दोषी है, लेकिन 7वीं बार पैरोल देकर प्रचार प्रसार भाजपा कर पा रही है। ब्रजभूषण के लिए दिल्ली पुलिस कोर्ट में खड़े होकर विरोध नहीं करती उनकी जमानत का और उन्हें जमानत मिल जाती है। राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो ये जो हमारे मंत्री के ऊपर अब रोको हल्ला मचा रहे हैं, जो उसी मंत्री ने मां सीता के लिए कहा था कि मां सीता बहुत खूबसूरत थी, इसलिए राम और रावण का वो सब उन पे दिल आ गया, तभी यही भाजपा उनका इस्तीफा मांग रही थी। इसी तरह के बयानों की वजह से DSP से आए थे, विचारधारा बिल्कुल कांग्रेस की नहीं है, भाजपा में जाने की उनकी तैयारी है, इसलिए इस तरह के मुद्दे मणिपुर की तुलना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए अलका जी, मैंने आपको बड़ी खामोशी सुना, मैंने आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन बीच में टोका नहीं। अब दो बातें मेरे मन में आती हैं। दिव्या मदेरणा जी को आप जानती हैं, आपके मित्र भी हो सकता है शायद हूं, आपके साथ काम भी करती हूं। हाल फिलहाल में उनका एक स्टेटमेंट आता है, वो कहती है कि मैं क्या करूं, मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, मेरे ऊपर जिसने हमला किया उसे अब तक हम ढूंढ नहीं पाए। वो आपकी विधायक है, उनका शायद BJP में जाने का मन ना हो अगर इन मंत्री का मन हो। दूसरा, शांति धारीवाल जी मंत्री हैं, सदन में बयान दे रहे थे, मुझे उनका बयान याद आ गया आपकी बात सुनकर, जिसमें कहा, हंसते हुए कहा कि मर्दों का प्रदेश है, रेप के मामले में नंबर वन हम हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपको बड़ा बहुमत मिला है मणिपुर पर, हम और आप उठा रहे हैं, लेकिन उस मैसेजिंग की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आरोप यह लग रहा है कि जहां पर BJP शासित राज्य होता है वहां पर संवेदनाएं ज्यादा निकल आती हैं। मणिपुर को लेकर मैं आपके साथ आवाज में आवाज मिला रहा हूं और लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उस मैसेज का, उन संवेदनाओं का क्या केवल एक आंख से देखा जाना सही है? आपका जवाब, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। शुभंकर जी, मैं खुद एक महिला हूँ, राजधानी दिल्ली में बैठी, मुझसे पूछेंगे ना, या आप अपनी जो आपकी को आपके साथ सहयोगी काम करती है महिला एंकर जो है, किसी से भी पूछ लिए, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक कोई भी माँ बहन बेटियां अपने आप को इस देश की धरती पर आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, छोड़ दीजिए वो कोई भी राज्य हो, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, 2 महीने से चल रहा है, उदाहरण पेश होना चाहिए था उन राज्यों के लिए जिनके पास डबल इंजन नहीं है। लेकिन कन्विक्शन रेट की अगर आप बात करेंगे, राजस्थान में सिर्फ 9% मामले पेंडिंग है और देश में 30% मामले जो है पेंडिंग है। सजाओं में मध्य राजस्थान में 40% मामलों में सजा मिल रही है और वही हमारे देश की अगर आप बढ़ा देंगे सजाएं नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, दिव्या हो, अलका लांबा हो, या स्टूडियो पे बैठी बहने हो, या कंगना को भी आपने सुरक्षा दे दी, हर बहन को आप Z और Y सुरक्षा नहीं दे सकते, ये सच्चाई है कि समाज की जो सोच है
जो राजनीतिक जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, पैरोल और जमानतें दी जा रही है, डर नहीं है, मैं मानती हूं कोई भी सुरक्षित महसूस। ठीक है, हालांकि संस्कारों की आड़ में सरकारें कैसे बच जाएंगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन राखी राठौर जी, अगर बंगाल में घटना निकल कर आती है या बिहार में निकल कर आती है या राजस्थान के एक मंत्री बयान देते हैं, तो उससे मणिपुर की घटना पर जो 140 करोड़ भारतीयों को शर्म आ रही है वो कैसे कम हो जाती है? क्योंकि मुख्यमंत्री अभी भी बरकरार है, मुख्यमंत्री अभी भी कह रहे हैं कि आप लोग एक वीडियो को लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं, ऐसे सैकड़ों वीडियो है जो अभी आए नहीं है। वो कहते हैं वीडियो लीक हो गया है, साथ ही वो कहते हैं कि हम कंडेम करने के लिए रैली निकालेंगे। किसके खिलाफ? अपनी सरकार के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ जिसने 77 दिनों तक इस मामले को लेकर कार्रवाई नहीं की, 47 दिनों बाद गिरफ्तारी तब हुई जब सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए हम सब ने मिलकर दबाव बनाया, वो सरकार। देखिए शुभंकर जी, जिस तरह की घटना मणिपुर में हुई उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं का कोई भी स्थान नहीं हो सकता, और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सभी ने ये कहा कि जिस तरह की घटनाएं अब लगातार, चाहे मैं बिहार के अंदर बेगूसराय की बात करूं, चाहे बंगाल के अंदर मालदा के अंदर बात करूं, चाहे राजस्थान की जो स्थिति है उसकी बात करूं, हर राज्य के अंदर जिस तरह से डिटोरिएशन आया है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में, महिला सुरक्षा में, उसमें काम करने की आवश्यकता है। और इस तरह के जो इश्यूज है उसमें राजनीति करने से बेटर ये रहेगा कि हम अपने अपने काम को ध्यान से देखें। जहां तक अलका जी ने जो अभी बातें की, मैं चाहूंगी कि उन सभी बातों का मैं जवाब दूं। मैम, मैं आपसे अलका जी के सवालों का जवाब ले लूंगा, मेरे पास एक घंटे का समय है, लेकिन मेरा सवाल आपसे भी है, आपकी नजर में कौन जिम्मेदार है? क्योंकि लड़े तो नाम जीते कप्तान का, और अगर सवाल खड़े हुए तो उसमें किसको दोषी ठहरा रही हैं आप? और अगर जो गिरफ्तारी नहीं हुई है, घटनाएं ठीक है, आप कह रही हैं कि सारी घटनाओं में कुछ संस्कार की भूमिका भी होती है, लेकिन जो सरकार की भूमिका थी उस पर आप लोगों ने क्या किया? 47 दिनों बाद गिरफ्तारी हुई, आपको अंदाजा है इस बात का? आप खुद एक महिला है, आपने वो वीडियो देखा है, क्या आपकी रूह नहीं कांपी? शुभंकर जी, सबसे मुख्य बात यह है कि सरकार ने इसका परमिशन लिया है, उन्होंने ये माना है कि इसमें कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। राजस्थान की तरह नहीं, जहां मुख्यमंत्री एक्सेप्ट कर नहीं करना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर महिला सुरक्षा जो है वो एक बहुत गंभीर विषय हो चुका है। जो मंत्री ये कहता है कि राजस्थान को देखने की आवश्यकता है, उसे बर्खास्त किया जाता है, और वो मंत्री जो ये कहता है असेंबली के अंदर कि राजस्थान में रेप ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बगल में बिठाया जाता है। वो बात अलग है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सो रहे थे, लेकिन देखिए किस तरह की बात, किस तरह की संवेदना जो है वो यहाँ के जो सरकार है उसमें। ये इंपॉर्टेंट है कि सरकार किस क्षेत्र में जाकर किस क्या एक्शन लेना चाहती है, वो इंपॉर्टेंट है।